शादी के दौरान हर्ष फायरिंग तो आम बात है, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में शादी कार्यक्रम में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां बिहार के पुलिस वाले खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए किस तरह से दोनों पुलिसकर्मी अपनी वर्दी की ठशक में शादी समारोह के कार्यक्रम में हवा में दनादन फायरिंग कर रहे हैं। दरअसल पुलिस के दोनों जवान हैं मिठनपुरा थाने में टाइगर मोबाइल में तैनात रविंद्र कुमार और पुलिन कुमार। बताया जा रहा है कि दोनों पिछले दिनों आरोपी शराब माफिया सुनील कुमार की भतीजी की शादी में पहुंचे थे, जहां न सिर्फ इन दोनों ने खूब मस्ती की बल्कि स्टेज पर चढ़कर माफिया के साथ फोटो भी खिंचवाई। इतने से भी उनका मन नहीं भरा, दोनों ने पिस्टल निकालकर वहां मौजूद भीड़ पर धौंस जमाने के लिए कई राउंड फायरिंग भी कर डाली। बताया जा रहा है कि इस वीडियो के वायरल होने से पहले ये तस्वीर सामने आई थी, जिसके बाद मुजफ्फरपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन्हें निलंबित कर दिया था। लेकिन अब सामने आई इस वीडियो ने मुजफ्फरपुर पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। अब पता लगाया जा रहा है कि शादी समारोह में फायरिंग पुलिस विभाग की पिस्टल से की गई थी या फिर निजी पिस्टल से। पुलिस कर्मियों को पिस्टल लोगों की सुरक्षा के लिए दी जाती है, लेकिन बिहार पुलिस सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए इनका इस्तेमाल लोगों का मनोरंजन करने के लिए कर रही है। देखते रहिए डीबी लाइव।